दादी, आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाने वाली हैं? आज मैं आप सबको श्रीमद् भगवद् गीता की एक और कहानी सुनाऊंगी, जिसका विषय है कर्म। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तव कर्माणि। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, पर उन कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। हम इंसान अक्सर कोई भी काम करने से पहले ये सोचते हैं कि उस काम में से हमें क्या फायदा होगा, लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने समझाया है कि हमें अपने कर्मों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारा असली धर्म है, ना कि निरंतर अपने कर्मों के फल के बारे में सोचना। वो सब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो चलिए, आज इसी बात को स्पष्ट करते हुए मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाती हूँ, जिसे अपने कर्मों का फल तब जाकर मिला जब उसने उसके परिणाम के बारे में सोचे बिना निस्वार्थ होकर अपना कार्य किया। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन अपनी रोज की सैर करते हुए एक बाजार से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर एक गरीब व्यक्ति पर पड़ी, जो फटे कपड़ों में जोर जोर से चिल्लाकर अपने मिट्टी के बर्तन बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उससे कुछ खरीद ही नहीं रहा था। उसे निराश देखकर अर्जुन को उस पर बड़ी दया आई और उन्होंने उसे सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दी। वो आदमी बहुत खुश हो गया और सपने देखने लगा कि वो अपनी इतनी सारी दौलत कैसे खर्च करेगा। बड़ा सा घर, नए नए कपड़े, अच्छा खान पान, बस इन्हीं सब के बारे में वो सोचता हुआ जंगल से गुजर ही रहा था, जब अचानक एक चोर उसके पीछे से आया और सिक्कों की थैली चुराकर भाग गया। रोते चिल्लाते उस बेचारे ने अपने भाग्य को कोसा और अगले दिन फिर वैसे ही फटे हाल अपने मिट्टी के बर्तन बेचने निकल पड़ा। अर्जुन और कृष्ण ने उसे फिर से देखा और चौंक गए और उन्होंने उससे उसकी कहानी पूछी। अर्जुन को एक बार फिर उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने मुकुट से एक बड़ा सा हीरा निकालकर दे दिया। वो आदमी उस हीरे को संभाल कर घर ले आया और उसे सुरक्षित रखने के लिए कई वर्षों से अप्रयुक्त एक पुराने घड़े में रखकर चैन से जाकर सो गया। अगली सुबह उसके उठने से पहले ही रोज की तरह उसकी पत्नी नदी से पानी लाने गई, लेकिन उस दिन वापस आते समय उसका पैर फिसल गया और उसका घड़ा टूट गया। उसे तुरंत घर पर उस बेकार पड़े घड़े की याद आई और वो उसे पानी भरने के लिए ले गई। जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबाया तो उसने पड़ा हीरा नदी में बह गया। जब वह घर लौटी तो वो आदमी घर में हर तरफ हीरे को ढूंढ रहा था, पर जैसे ही उसने उस घड़े को अपनी पत्नी के हाथ में देखा, वो तुरंत समझ गया कि एक बार फिर धन उसके हाथ से फिसल गया है। जो कुछ हुआ उससे निराश होकर वो एक बार फिर अपने बर्तन बेचने बाजार गया। एक बार फिर अर्जुन और श्री कृष्ण ने उसे देखा और उसके साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में सुनकर इस बार श्री कृष्ण ने उसके हाथ में दो पैसे रखे और उससे कहा,
इनका प्रयोग सोच समझ कर करना। अर्जुन सोच में पड़ गए कि यदि सोना और हीरा उसकी स्थिति नहीं बदल सके तो भला ये दो पैसे किसका क्या कल्याण करेंगे। तभी वो आदमी उन दो पैसों को लिए वहां से जाने लगा। उसे बड़ी भूख लगी थी तो उसने सोचा कि बाजार से कुछ भोजन खरीद ले। जैसे ही उसने पैसे निकाले तो उसकी नजर एक मछली पर पड़ी जो अभी अभी एक मछुआरे द्वारा पकड़ी गई थी और अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। उसे उस मछली पर दया आई और उसने अपने लिए भोजन खरीदने के बजाय उन दो पैसे से वो मछली खरीद ली। फिर मछली को उसने पानी से भरे एक बर्तन में रखा और नदी में छोड़ने के लिए उसे ले जाने लगा। वहां पहुंचकर जैसे ही उसने बर्तन खाली करने के लिए उठाया तो पानी के अंदर मछली के अलावा उसे एक और चमकती हुई चीज दिखाई दी। हाथ डालकर जब उसने उस चीज को निकाला तो वो आश्चर्यचकित रह गया। वो वही हीरा था जो उसने नदी में खो दिया था। उस आदमी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो खुशी से चिल्लाने लगा, देखो मुझे क्या मिला, देखो देखो मुझे क्या मिला। उसी समय उधर से वही चोर गुजर रहा था जिसने उसे लूटा था। उसने जैसे ही उस आदमी की चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसने सोचा कि वो आदमी उसे पहचान गया है और चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला रहा है। डर के मारे उसने उस आदमी के पास जाकर माफी मांगी और उससे चुराए सभी सोने के सिक्के उसे वापस कर दिए। वो आदमी खुश हो गया और अपनी सारी संपत्ति लेकर सीधे अर्जुन के पास गया। उसने उन्हें पूरी घटना बताई और उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद देकर चला गया। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, भला ये कैसे हुआ कि मेरा सोना और हीरा उसकी मदद नहीं कर सके, लेकिन आपके मात्र दो पैसों से उसकी इतनी मदद हो गई। अब बताओ बच्चों, क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? दादी, मुझे लगता है कि क्योंकि गरीब आदमी ने अपनी भूख से ज्यादा एक मछली की जान को महत्व दिया, इसलिए भगवान ने भी उसकी मदद की। शाबाश बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, जब उस आदमी के पास सोना और हीरे थे तो केवल वो अपने और अपनी जरूरतों के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब उसके पास सिर्फ दो पैसे थे तो उसने दूसरे प्राणी की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखा और इसीलिए मैंने उसकी जरूरतों का ख्याल रखा। तो बच्चों, सच्चाई ये है कि जब तुम दूसरों के दर्द और जरूरतों के बारे में सोचते हो और उनकी मदद करने के लिए काम करते हो तो तुम वास्तव में भगवान का काम कर रहे हो और इसीलिए ऐसे में भगवान स्वयं तुम्हारी देखभाल करते हैं। तो अब से करेंगे ना हम सबकी मदद बिना ये सोचे कि इसमें हमारा क्या फायदा है। हाँ दादी, करेंगे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगली बार एक और ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ हम यहीं इकट्ठा होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।